देश के प्राइम मिनिस्टर ने अचानक रात 12 बजे आके कह दिया कि कल से देश में जनता कर्फ्यू नहीं, उससे बढ़ के कहीं ज़्यादा कर्फ्यू लगने वाला है। मैं इन प्राइम मिनिस्टर से और देश के मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करूँगा कि सभी लोग गरीब के अकाउंट में कम से कम कुछ धनराशि जरूर डालिए, जो ये अपने घर का परिवार का पालन पोषण कर सके, वरना ये देश 21 नहीं 50 साल पीछे चला जाएगा। सर, बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री की एक बड़ी साजिश है क्या? बिहार के मजदूर, यूपी के मजदूर, हरियाणा के मजदूर घर नहीं जा पा रहे, वो पैदल जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि जो भी इनका डिसीजन होता है रात को ही होता है। क्या एक बड़ा हमला है दलितों पर, मुसलमानों पर, मजदूरों पर, किसानों पर? देखिए, खासकर गरीब तबके ऊपर ना बहुत बड़ा ये स्टेप लिया गया है। आज ये लोग लाचार हो गए हैं। देखिए, दिल्ली में सभी प्रांतों के लोग आके रहते हैं, चाहे वो बिहार लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश लगा लीजिए, मध्य प्रदेश से लगा लीजिए, चाहे कहीं से भी लगा लीजिए, ये लोग आकर यहाँ पे अपनी कमाने खाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन आज जो अचानक ये 8 बजे रात को जो एक स्टेप ले लिया जाता है कि आज रात 8 बजे से ये बहुत गलत स्टेप है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सभी लोग गरीब, ज़्यादा दिल्ली के अंदर कितने लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50% लोग बाहर से आके रहते हैं, 60-70% तक लोग बाहर के आके रहते हैं, अपने किराए पे मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, अपने घर भेजते हैं, सब लोग कमाने के लिए आए हैं। आज जो यहाँ पर दिल्ली में और दिल्ली की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जो एकदम में इतना बड़ा स्टेप उठा लिया गया, लोग बाग टैंकरों में, दूध के टैंकरों में भर के जा रहे हैं, हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे देख रहे हैं सारी चीज़ें, जो आज जो फैसला जो लिया गया है ये बिल्कुल सरासर गलत है, जनता के हित में 1% भी नहीं है। वजह क्या? कोई भी डिसीजन होता है रात को 8 बजे ही, 9 बजे ही, नोटबंदी का मसला हो, पब्लिक जनता कर्फ्यू का मामला हो, हर जो है 8 बजे ही ये घोषणा होती है। क्या काली रात में मोदी जी ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं, क्या विकास ज़्यादा करना चाहते हैं क्या रात में? देखिए, अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर माइंड समझते हैं। जब पीछे राहुल गांधी जी फरवरी से चिल्ला रहे हैं कि आप इस पर डिसीजन लीजिए, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिया, अब मार्च में 12 दिन पहले आके डिसीजन लेने का क्या तात्पर्य बनता है? अगर आप लोग, जब देश में ट्रम्प आए थे उनकी तैयारी तो इन्होंने बड़े जोर शोर से की है, और इतना बड़ा देश के अंदर क्या चीन के अंदर देख नहीं रहे थे लोग, चाहे अमेरिका में देख नहीं रहे थे कि कितनी बड़ी महामारी फैल रही है, क्या ये हिंदुस्तान में नहीं आएगी? तो इसके लिए इन्होंने कोई भी डिसीजन, कोई भी तैयारी नहीं की। पिछले 1 महीने से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं इसी चीज को लेकर कि आप लोग इस पर स्टेप उठाइए, लेकिन कोई भी स्टेप नहीं। अब 12 दिन का एकदम रात 12 बजे से ये सब चीजें बंद, भारत बंद, दिल्ली बंद, और दिल्ली में खासकर मैं तो दिल्ली के केजरीवाल जी को कहूँगा, केजरीवाल ने भी कोई खासा पिछले 5 साल पहले मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के शासनकाल में राशन कार्ड बने थे गरीबों के, आज उनके माध्यम से वो लोग राशन पहुंचाना चाहते हैं, अपने शासनकाल में उन्होंने एक भी राशन कार्ड बता दे कि पिछले 5 और 6 साल में इनके राशन कार्ड बने हो, एक भी राशन कार्ड इनके शासनकाल में नहीं बना, और ये राशन कार्ड राशन घर घर पहुँचाने की डिमांड कर रहे हैं। एक भी यहाँ पर दिल्ली के अंदर ना तो यहाँ पर कोई MCD का कर्मचारी, ना पे यहाँ कोई दिल्ली का विधायक, ना पे यहाँ पे दिल्ली में कोई भी आके यहाँ पे काम करने के लिए राजी नहीं है। दिल्ली की जनता जो मूलभूत तरीके से यहाँ के निवासी है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो सब जल रहे हैं इस महामारी के अंदर। बुराड़ी विधानसभा में आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है, सुनने में आ रहा है, क्या यहाँ पर कोई तरह की छिड़काव, क्या यहाँ के जो पार्षद हैं, हुक्मरान है, कोई ऐसी व्यवस्था जिससे जनता या कोरोना दूर हो जाए? लगातार दावे कर रहे हैं सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार डंके की चोट पर दावा कर रही है, ये फ्री वो फ्री, क्या व्यवस्था है सर, सही बताइएगा। देखिए, मैं बुराड़ी के तकरीबन मैं नहीं जानता कि मैं मुझे किसी भी एक भी ग्रुप ने छोड़ा होगा, मैं हर ग्रुप से, हर वर्कर से, हर कार्यकर्ता से, चाहे वो BJP का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। एक भी मैंने पोस्ट, एक भी मैंने गरीब आदमी के साथ काम करते हुए, हेल्प करते हुए कभी किसी को नहीं देखा कि कोई आदमी बाहर निकल के आया हो, उनकी हेल्प कर रहा हो, कोई भी, चाहे वो MCD का कर्मचारी हो, चाहे विधायक की DDA का, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कोई भी आगे आके लोगों की मदद करने में नहीं आया आगे। तो सरकार क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि RSS जो है अब डोर टू डोर जाएगी, राशन लेके जाना है डोर टू डोर जाएगी पूरे मुल्क में, क्या ये संभव है? नहीं, संभव नहीं है, ये भी 15 लाख की तरह जुमला है जो लोगों को एक घनौनी साजिश में फंसाया जा रहा है। इस चीज की तैयारियां होती है, मैं पहले भी इस बारे में बोल चुका हूं आपसे कि पिछले 1 महीने से राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं, पिछले काफी दिनों से देश के अंदर ये महामारी फैल रही है, लेकिन ये सब लोग देश के अंदर ट्रम्प जी आए थे, वो वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए आए थे अपना, उस
चीज पे इन्होंने सारी चीज को भुला दिया। तो अगर ये लोग उस टाइम से जाते तो आज कहीं ना कहीं देश में रोक होती, पहले बोल दिया जाता कि आप लोग कोई भी चीज है, देखिए स्टेप मैं छोटी सी एक नॉर्मल सी बात कहूंगा, अगर आपको किसी चीज को खत्म करना है पहले उसको सुविधा दीजिए, आप उसे खत्म कर दीजिए। आज अचानक पीछे मैं शायद 2000 की राजनीति से पूरा सक्रिय हूं, मैंने उस टाइम पे देखा था शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में डीडीए मार्केट बंद करी थी, घरों में चलने वाली दुकानें बंद करी थी, लेकिन उन्होंने पहले मॉल बनाए तब जाके उन्होंने ये सब चीजें बंद की। मैं निवेदन करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं देश के प्राइम मिनिस्टर से और दिल्ली के केजरीवाल जी से, खासकर जो दिल्ली में आज यहां पर ये चीज मुफ्त माफ करना, आप जनता के हितैषी नहीं हो, ये तो एक लहर थी या एक वो था जुमला जो जिस चीज पे आप लोग बना के बैठ गए, वरना मूलभूत तरीके से जनता को सुविधा नहीं मिल रही है। चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल साहब जो अमित शाह से मिलते हैं वो कहते हैं कि अब जो है पूरे मोहल्ले में कॉलोनी कॉलोनी सुंदरकांड का पाठ होगा। क्या सुंदरकांड के पाठ करने से गरीबी भुखमरी और तमाम मसला जो है दिल्ली की दूर हो जाएगी क्या? नहीं होगा। देखिए मैं आज फिर कहूंगा, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं ये जानता हूं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो आज बंद हो गए हैं, इनसे देश का विकास नहीं होता। देश का विकास होता है देश के उद्योगों को चलाने पे, देश के उद्योगों को बंद करने पे नहीं। केजरीवाल और अमित शाह या मोदी या केजरीवाल, ये सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये लोग देश में देश की अर्थव्यवस्था को, देश की जीडीपी को बिल्कुल भी लेके साथ नहीं चल रहे, बस ये अपने जुमलेबाजी, ये फ्री। अगर यही सब चीज फ्रीयों से देश चलता हो तो पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग बाग फ्री कर दे हर चीजों को, लेकिन इनसे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा देश की इकोनॉमी, देश की स्ट्रक्चर को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के हर गरीब तबके के लिए, हर वर्ग के लिए काम करने से देश चलेगा। देश ये मुफ्त बांटने से या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इनसे देश नहीं चलेगा। कहा जा रहा है कि 21 दिन की जो लॉकडाउन स्थिति है उसमें बैंक की भी स्थिति चरमराने वाली है, अर्थ इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत तेजी से आ रहा है, क्या ये जो लगातार पूरे देश में चल रही है ये कहाँ तक सही है सर? देखिए देश में हर तबका गरीब आदमी है, 5% तो मैं कह नहीं सकता, जो बड़े लोग हैं बैंक लॉकर में अपना रखते हैं, डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड से चलते हैं, लेकिन यहाँ पर रोज लोग कमाने वाले हैं, रोज उसे खाने वाले लोग हैं, ये लोग कहाँ बैंक में जाएंगे? बैंक तो वैसे ही बंद कर दिए इन्होंने, छोटे मोटे ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, पैसे ट्रांसफर करना, ये आधे से ज़्यादा लोगों को तो ट्रांसफर करने ही नहीं आते हैं, तो वो कहाँ से अपने घर को चलाएंगे, कैसे वहाँ से? मैं तो कहता हूँ देश के प्राइम मिनिस्टर से और दिल्ली के केजरीवाल मंत्री जी से कि सभी के अकाउंट भी आप लोगों के पास होंगे, सब कुछ होंगे, इसमें एक मूलभूत तरीके से, जैसे अब राहुल गांधी जी ने बोला है कि अन्नश्री योजना जो उन्होंने चलाई थी, अब जो न्याय योजना उन्होंने चलाई है उसके माध्यम से हर घर में हर अकाउंट में कम से कम ज़्यादा ना तो 5,000-6,000 रुपये उनके अकाउंट में भेजे, जो गरीब आदमी कम से कम रोटी और अपना कुछ खा तो सके, अपने परिवार को पाल तो सके आराम से। इसी चीज़ को तो लेकर सवाल है साहब, जब कोरोना वायरस एक कनिका कपूर जिसे तमाम लोग बाहर से आते हैं पूरे हिंदुस्तान में, MP राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में है, दुष्यंत राजे जो विजय उनके उनकी राजस्थान की जो पूर्व CM है उनके लड़के हैं दुष्यंत राजे, उनके साथ उन्होंने खाना खाया, फिर दुष्यंत राजे जो है राष्ट्रपति के साथ खाना खाते हैं, तो जब ये अमीरों की महामारी की बीमारी जो बाहर से लेके आएगी तो फिर दलितों गरीबों को गरीब गुरुओं को क्यों परेशान उठाना पड़ रहा है सर? गरीब गुप्त इनके लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लोग इनके यहाँ काम करने जाते हैं, उन लोगों को अगर ये लोग काम पे रखे हुए हैं तो उनकी जो मूलभूत तरीके से सुविधाएं उनको भी पूरा करना चाहिए। आज गरीब लोगों को ठीक है, ये बाहर से आई है, विदेश से आई है, कैसे आई है ये लोग जाने, इनकी पार्टियों से आई है या ये एयरपोर्ट के माध्यम से आई है, इन चीज़ की देख रेख देश के प्राइम मिनिस्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री और 29 राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, इन सब लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए, सभी के अकाउंट में कुछ ना कुछ मूलभूत तरीके से सुविधा देनी बहुत ज़रूरी है। विकल्प क्या, हिंदुस्तान के आवाम के पास क्या विकल्प? देखिए विकल्प तो सबसे अच्छा यही है कि सभी लोग अपने घर में नियमित रूप से अपना संयम बरतें, बाहर ना घूमें, जो आज एकदम में आकर ये देखिए मैं छोटा सा एक लेके चलूंगा, पीछे जिन्होंने कहा कि सभी लोग 5 बजे ताली बजा के इस चीज का आश्वासन दिए, लोग बाग गलियों में 50-50 लोग इकट्ठा होकर ताली बजा रहे, ये नहीं, मोदी जी ने कहा था अपने गैलरी में खड़े होकर ताली बजा के, जिन्होंने देश के लिए काम किया है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे
चाहे वो कोई भी हो, उनको एक आश्वासन दीजिए, उनको एक धन्यवाद दीजिए ऐसे गली गली में घूम के। अभी हाल ही में देखिए देश के प्राइम मिनिस्टर ने अचानक रात 12 बजे आके कह दिया कि कल से देश में जनता कर्फ्यू नहीं, उससे बढ़ के कहीं ज़्यादा कर्फ्यू लगने वाला है, तो उसको रोकने के लिए ये कदम उठाए। लेकिन इसे जनता बिल्कुल भी नहीं समझ रही है। ये समझाने का तरीका होता है, अच्छे तरीके से समझाए, लेकिन एक एडवांस में आके थोड़ा दिन पहले से समझाते तो बहुत अच्छा स्कोप पड़ता इस चीज़ का। लेकिन माफ़ करना, ये लोग इसे तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं जनता को। एक मैसेज सर लास्ट में अपनी बात खत्म की, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता से यही अपील करता हूं कि सभी लोग अपने घर में ही रुके। देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि घर पे एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखिए, उस लक्ष्मण रेखा से तभी बाहर जाइए जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है। अन्यथा मैं इन प्राइम मिनिस्टर से और देश के मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करूँगा कि सभी लोग गरीब के अकाउंट में कम कुछ धनराशि जरूर डालिए, जो ये अपने घर का परिवार का पालन पोषण कर सके, वरना ये देश 21 नहीं 50 साल पीछे चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।